बस 2 लाइक्स और आ जाए फिर 500 हो जाएगा। मुझे नहीं जानती। डोपामीन, राइट? डोपामीन नाम तो सुना ही होगा। मैं एक न्यूरोट्रांसमीटर एंड हार्मोन हूँ जो तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम करता है। बहुत बड़ा खानदान है हमारा कैटेकोलामीन। अब इसका नाम तो सुना ही होगा। वो जो सबसेंशन आएगा एरिया है ना, उसके पास पास कॉम्पैक्टा वाले इलाके में पुश्तैनी घर है। कास्ट या रिलीजन पे मत जाओ, काम क्या करते हो ये बताओ। अच्छा जी, 2 और लाइक आ गए क्या क्या तुम्हारी फोटो पे? देखना जरा। हाँ आ गए आ गए, 5001 लाइक्स हो गए। ये प्लेजर दैट यू आर फीलिंग इज बिकॉज ऑफ मी। यू पोस्ट अ फोटो, यू गेट पॉजिटिव सोशल फीडबैक और फिर तुम्हारा ब्रेन मुझे रिलीज करता है। और यही प्लेजर वाली फीलिंग जिससे तुम्हारी बार बार सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की हैबिट डेवलप होती है। इवान पावलोव हियर, रिमेम्बर कंडीशनिंग। अरे भाई डोरबेल बज रही, लाके दरवाजा खोलो। होगा भाई जोमैटो वाला, बस दोनों बहनों को 24 घंटे बाहर खाना खिलाते रहो। जाओ जाके दरवाजा खोलो। ये आ गए मेरे पिज्जा। आज फिर से बाहर का खाना मंगवा लिया। हेलो, आई डिजर्व दिस, ठीक है ना? कल रात को मैंने 4 असाइनमेंट सबमिट किए और उसके बाद सुबह 8 से 4 ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड करी हैं। और अब इतनी मेहनत के बाद आई फाइनली अर्न दिस पिज्जा। अरे इसे ही तो कहते हैं मेसोलिम्बिक पाथवे और रिवॉर्ड पाथवे। ये पाथवे तुम्हारे मिड ब्रेन के वेंट्रल टेगमेंटल एरिया को न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस ऑफ लिम्बिक सिस्टम से जोड़ता है थ्रू मी, दैट इज डोपामीन। याद है ना रिवॉर्ड रिलेटेड मेमोरीज, जब तुमने नीट पास किया था और जब तुम पेपर पास करती हो तब तुम पिज्जा ही तो खाती हो। ये सब हम ही तो कर रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अपुनेची भगवान है। तुम डोपा में लोग तो बहुत ही अच्छे हो, हमेशा हमारे साथ ही रहना। खूब फलो फूलो, खूब बढ़िया करो। बहन जी, मेरे बच्चे ने कुछ ज्यादा ही अच्छी बातें बता दी थारे को। इतने अच्छे हम हैं नहीं। मेरे हस्बैंड का कहने का मतलब था कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। डोपामीन के कम होने से पार्किंसन जैसी खतरनाक बीमारियां भी हो सकती है। इट कैन रिजल्ट इन रेस्टिंग ट्रेमर्स, ब्रैडीकाइनेसिया, हाइपोकाइनेसिया एंड इवन एकाइनेसिया। इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन द कॉगविल रिजिडिटी, पोस्टुरल इम्बैलेंस एंड शफलिंग गेट। You can also experience loss of facial expressions. And if the level of dopamine increases, it is again a big problem. It can lead to the hallucinations, mania, schizophrenia, high energy, stress, anxiety, etc. इनके कहने का मतलब था ना कम ना ज़्यादा। ओहो, अरे सिमरन यार खिड़की बंद कर, ये मुकेश फिर से सिगरेट फूंक रहा है। पूरे दिल्ली का पॉल्यूशन इसी ने बढ़ा रखा है। खिड़की बंद कर। क्या करे बहन जी, आजकल के मेरे बच्चे, पर दोष दोष इसमें मेरे ही परिवार का है। जब सिगरेट पीते हैं तो निकोटीन ब्लड से ब्रेन तक पहुंच जाता है और डोपामिन के रिसेप्टर्स निकोटिनिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है जिससे डोपामिन रिलीज होता है, जिससे कि प्लेजर, रिवॉर्ड ऐसी फीलिंग्स आने लगती है। और अगर फिर सिगरेट ना पियो तो विड्रॉल सिम्टम्स और फिर मन करता है कि एक और सिगरेट पी ही ले। कहने का मतलब है हर चीज के 2 पहलू होते हैं। एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड, परफेक्टली बैलेंस्ड, एज थिंग्स should be oh, oh yes, yeah.